मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी को बहुत बड़ा वाला गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 7:45 और बच्चे चले गए हैं स्कूल। वैसे तो आज रक्षाबंधन है बट आज फिर भी स्कूल खुला है और बरिका तो आज हिंदी का टेस्ट है। और मतलब ये भी तो कंफ्यूजन था कि 11 को है कि 12 को है, तो वैसे काफ़ी सारे लोग 11 तारीख को ही बना रहे हैं आज, मतलब 11 को ही रक्षाबंधन मना रहे हैं और दीदी लोग भी आज ही आने वाले हैं। तो परी जब और निशु स्कूल से आ जाएंगी उसके बाद ही रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो हो पाएगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। और अभी फिलहाल मैं सफाई में लगी हुई हूँ तो उसके बाद मैं फिर खाने पीने की चीज़ें जो भी होंगी मैं बनाऊंगी। अब देखो मुझे बनाना क्या क्या है ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि बच्चे हैं तो मेरे को परी और निशु के कपड़ों को भी प्रेस करके रखना है क्योंकि उन लोगों के आने से पहले पहले, ताकि जब वो लोग आएंगे और कपड़े चेंज करेंगे तो वही वाले कपड़े पहन लेंगे जो उन्हें रक्षाबंधन में पहननी है। तो परी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और निशु को तो बस लड्डू खाने का ही या मिठाई खाने का ही ज़्यादा क्रेज़ रहता है, घी उसे लगता है। और भैया लोगों से मिलने का कि भैया प्रतीश भी आएंगे, रिशु भी आएंगे, तो लोग बहुत इंतज़ार करते हैं। और जो छोटी वाली दीदी हैं वो थोड़ा सा दूर रहती हैं तो इसीलिए उनका पॉसिबल हर बार नहीं हो पाता, बट उन्होंने अपनी जो राखी थी उन्होंने निशु की और जो भी घर में उनकी थी वो उन्होंने भी, और मैं भी नहीं जा पाती हूँ। और मैं किस तरीके से रक्षाबंधन करती हूँ वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहना, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं लगती हूँ अब काम में क्योंकि मुझे करना है बहुत सारा काम। जो भी राखियाँ आई थी यानी कि मेरी जो छोटी नंद है उनकी तरफ से, और जो मेरे मायके में मीठू है जो मेरी भांजी है वो उसकी तरफ से राखियाँ आई थी, तो पहले ही आ चुकी थी। तो फाइनली आज मैं निकाल रही हूँ और सब निकाल कर रख रही थी क्योंकि जब परी आएगी तो वो साथ ही साथ ये वाली भी राखियाँ बांध देंगी और मिठाई वगैरह भी सब रेडी करके रख ले रही हूँ कि ताकि बाद में भगदड़ ना मचे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और पता है अभी स्कूल से आए भी नहीं हैं, जैसे ही स्कूल से आएंगे उन्हें खुद भी लगेगा कि वो तैयार हो जाएं। तो ये सब चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं क्योंकि इसी बीच मैं अपने घर पे भी अपने भाई को राखी बांधने वाली हूँ। तो फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार, बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ और बस मैं घर पे कॉल करूँगी और वहाँ पे भी सब लोग तैयार हो चुके हैं, मैंने पहले ही पूछ लिया था। तो जैसे ही वो लोग पूजा की थाली वगैरह सब रख देते हैं तो बस मैं इधर रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं त्यौहार जो करती हूँ वो होता है रक्षाबंधन का। और मैं जैसे जैसे बताती जाती हूँ वैसे ही वैसे वो लोग वहाँ पे अप्लाई करते चले जाते हैं, यानी कि जो मेरा भाई है, जो मेरा जुड़वा भाई है, वो मैं वहाँ पे उसको राखी बांधने बस इसी तरीके से जाती हूँ। पहले मैं शुरू शुरू में जाती थी पर उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल और फिर वही छुट्टी का ऑप्शन नहीं है तो बस इसीलिए। तो मैं अब अपने भाई को बांध रही हूँ राखी जो कि मेरी बहन बांधेगी। तो मैं कैमरा चला देती हूँ यानी कि वीडियो कॉलिंग कर देती हूँ और वहाँ पे भाई बैठा होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं ही राखी बांध रही हूँ। तो मैं बस बहनों से बोलती चली जाती हूँ और वो लोग राखी वगैरह बांधते चले जाते हैं और इसी तरीके से बस मैं अपने त्यौहार को मना। खाना लगभग तैयार कर लिया है, आज मैंने आलू टमाटर की सब्जी और जवे बनाए हैं, बस रायता नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो रखा था। तो पूड़ियाँ और कचौड़ी में सब बाद में बनाऊंगी, पहले मैं ये दो चीज़ें तैयार करके रख दिया। तो यहाँ पे सभी भाई लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ऋषि प्रतीश जो भतीजे हैं मेरे, और यहाँ पे जो मेरे देवर हैं राजीव मतलब ये भाई, तो ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि राखी कब बंधी जाए। और परी के पापा कहीं अचानक चले गए थे क्योंकि उनको जाना था बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये पता था कि 12 तारीख को ही राखी बंधनी है, तो देवर को भी जाना था वापस दिल्ली, तो उनको जल्दी जल्दी से बांध दी गई ताकि वो लेट ना हो क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ पे परी और निशु और प्रतीयुष सब लोग रह गए थे छोटे छोटे बच्चों में, तो ये लोग सब इंजॉय कर रहे थे, राखी बांधते रहे थे, हंसी मजाक भी चल रही थी। और परी तो इस मतलब इस तरीके के मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करती है, तो फाइनली आज उसके दिल की बात थी। और बड़े अच्छे से तैयार होकर आना होता है परी को कि मैं आज भी ये लोगों की राखी बांधूँगी, और ज़्यादा नहीं आता है बट वो पूछ पूछ के फाइनली वो करती चली जाती है।
तो आप देख सकते हो किस तरीके से हंसी मजाक चल रहा है और अच्छा लगता है इस तरीके के त्यौहार को सेलिब्रेट करना। और मतलब पर हाँ ये था कि आज परी के पापा यहाँ पे इस वक्त नहीं थे क्योंकि उनको लग रहा था कि 11 तारीख को ही सब लोग 12 तारीख को ही मनाएंगे, पर 11 तारीख का ही प्रोग्राम बन गया। और यहाँ पे छोटी वाली दीदी जो नन है मेरी, उनका फ़ोन आ गया था कि जब सब लोग त्यौहार कर रहे होते हैं तो वो भी इसको ज्वाइन कर लें, तो बहुत अच्छा भी लगता है और इसी बहाने सबसे बात हो जाती है। तो यहाँ पे दीदी, ट्विडी और टुक टुक सब लोग, मतलब दीदी का बेटा, ये लोग भी थे, तो ऐसा लगता है कि जैसे सबने त्यौहार पूरा कर ही लिया हो। तो यहाँ पे निशु के भी राखी बांध दी गई, फिर उसके बाद और निशु को राखी बांधने के बाद फिर परी अपने बाबा जी को भी राखी बांधती है क्योंकि उनकी कलाई सूनी ना हो, तो इसलिए परी बांध देती है और अच्छा भी लगता है। पापा भी बड़े प्यार से बंधवाते हैं। तो फाइनली सबको राखी बांधने के बाद परी ने अपने बाबा जी को भी राखी बांधी और बिल्कुल एज अ ब्रदर, जैसे मतलब एक बहन अपने भाई को बांधती, इसी तरीके से पापा ने भी परी को, मतलब हर बार की तरह इस बार भी, मतलब उसको पैसे देते हैं ताकि वो राखी बंधवा रहे हैं तो इसलिए वो पैसे भी देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और पापा भी बड़े अच्छे से और बड़े प्यार से परी से राखी बंधवा रहे होते हैं और परी तो फाइनली खूब इंजॉय करती है क्योंकि उसको पता है ना कि इसके बाद फिर उसकी अच्छी खासी इनकम हो जानी है। मारने का तो मौका दे। त्यौहार पूरा हुआ बड़े प्यार और दुलार के साथ, तो अगले आने वाले त्यौहारों की अब तैयारियां शुरू होंगी, उनका इंतजार किया जाएगा। और आप देख सकते हो कि मेरे हाथ पे भी दीदी ने कितनी प्यारी प्यारी राखियां बांध रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।